बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष बने रणजीत सिंह त्रिशुंडी तो महासचिव बने रमाशंकर पांडे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महासचिव का अधिवक्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, दी बधाई। सुल्तानपुर अमेठी अध्यक्ष पद पर रणजीत सिंह त्रिशुंडी ने निकटतम उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा प्रत्याशी शारदा प्रसाद मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, हेमंत मिश्रा, बैतुल्ला खान, शारदा प्रसाद मिश्रा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जयप्रसाद त्रिपाठी, अजय कुमार पाठक उर्फ सतीश पाठक, इंद्र कुमार शुक्ला, द्वारका प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किस्मत आजमाई थी। विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर है। महासचिव पद पर प्रत्याशी रमाशंकर पांडे ने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा प्रत्याशी अजय कुमार सिंह, सूर्यनाथ यादव, मदन कुमार तिवारी, दिनेश कुमार दुबे, रमाशंकर पांडे, राजकुमार सिंह, व्यास नारायण दुबे मैदान में रहे। जीत की सूचना पर समर्थकों ने गुलाल उड़ाए और मिठाइयां बांटी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार अशोक कुमार पाठक ने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा हरीश्वर सिंह, सालिक राम मिश्रा, उमा शंकर गुप्ता मैदान में रहे। उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी अरविंद पांडे ने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा प्रत्याशी नजर अहमद, सतीश यादव, प्रणव द्विवेदी आदि लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। ट्रेजरार पद पर निकटतम प्रतिद्वंदी बिलाल अहमद को हराकर अरविंद कुमार पांडे ने जीत हासिल की। इनके अलावा कमलेश कुमार त्रिपाठी ने भी अपनी किस्मत आजमाई। वहीं सहसचिव प्रशासन पद पर इंद्रहास पाठक ने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा प्रत्याशी वीरेंद्र प्रताप यादव, संजय कुमार गोस्वामी, इंद्रहास पाठक, अंकुर वर्मा मैदान में रहे। सचिव खुर्शीद क्लब पद पर पंकज यादव निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल कुमार मिश्रा को हराकर जीत हासिल की। इनके अलावा इस पद पर अजीत कुमार तिवारी, रविशंकर, पंकज यादव, उमेश कुमार मिश्रा ने अपनी किस्मत आजमाई। वहीं सचिव पुस्तकालय पद पर प्रत्याशी संतोष यादव को हराकर रोहित पांडे ने हासिल की जीत। कुल 1863 अधिवक्ताओं मतदाताओं में से 1728 अधिवक्ताओं ने कल मतदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया टीम। सारे अधिवक्ता बंधुओं को, अपने सहयोगियों, दोस्तों को और सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने भी इसमें मेरी मदद किया, अपना आशीर्वाद दिया। अधिवक्ता संघ के सारे अधिवक्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।